तो अब सीखते हैं कि डेली ईआरपी 9 पर कंपनी को कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं, कैसे एडिट अल्टर करते हैं और कैसे टैली को बंद करते हैं। तो सबसे पहले टैली के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस दिखाई देता है टैली ईआरपी 9 का। टैली ईआरपी 9 खुलने का थोड़ा तरीका अलग है। तो यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर मैं जिस टैली को यूज कर रहा हूँ यह लाइसेंस वर्जन नहीं है, एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हम यहाँ पर एजुकेशन वर्जन पर ही सीखेंगे। इसके लिए आपको यहाँ लिखा है वर्क इन एजुकेशनल मोड, तो आप चाहे माउस से चाहे कीबोर्ड से डब्लू प्रेस कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इंटर प्रेस करेंगे और हमारी कंपनी खुल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है और एक बार सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी कंपनी बनी नहीं है। मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ ESC से। अब हम क्या काम करते हैं, डाउन एरो से आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट कंपनी का। इसके लिए हम चाहे कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे और कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी कंपनी जो भी बनेगी वो कहाँ पर स्टोर होगा, मतलब सेव होगा, किस नाम से हमको कंपनी बनाना है ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए श्याम ट्रेडर के नाम से मैं कंपनी बना देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। इनका एड्रेस जो भी है, आपको जहाँ पर भी ये कंपनी है वहाँ का एड्रेस आपको देना होगा। तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी, इस तरह से हम एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस देने के बाद कंट्री हमारा इंडिया है, इसके अलावा हमारी टैली कहाँ कहाँ यूज की जाती है यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर स्टेट का ऑप्शन दे रहा है, मान लीजिए कि कंपनी जो है वह उत्तर प्रदेश की है। अब हम कीबोर्ड से काम करेंगे, केवल यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और हम सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड कुछ भी हम ऐसे टाइप कर देते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको इंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ प्रेस। तो मैं कोई एक नंबर दे देता हूँ, सॉरी ऐसे मैंने कुछ फोन नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी मैं दे देता हूँ। उसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जो भी कंपनी का ईमेल आईडी रहेगा। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट भी दे सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है, वह फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, उसके बाद इंटर प्रेस कर। अब अगला यहाँ पे दे रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, होता क्या है कि जिस दिन से कंपनी के अंदर काम करना शुरू होता है, मतलब कंपनी में काम करना शुरू होता है, उस दिन का डेट हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लेकिन मई में या जून में अगर कंपनी में काम शुरू होता है तो यहाँ पे हम मई या जून का जो भी डेट होगा वो डेट लिखेंगे। लेकिन ये हमारा एजुकेशनल है इसलिए यहाँ पे आगे नहीं लेगा। इसके लिए हम इंटर प्रेस करते हुए निकल जाएंगे। रुपीज सिंबल में इंडिया में बिजनेस होता है रुपीज, और इसको हम बस इंटर प्रेस करते हुए चले आएंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपनी खुल के आ गई, नेम ऑफ कंपनी श्याम ट्रेडर्स, और अभी इसके अंदर एक भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है। अब आप थोड़ा सा तुलना करिएगा टैली 9 और टैली ईआरपी 9 में, थोड़ा सा इंटरफेस अलग अलग है बस। अब हम क्या काम कर देते हैं कि मान लीजिए कि कंपनी ओपन हुई है और कंपनी को हमें बंद करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे सेट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए सेट का ऑप्शन दे रहा है। आप H प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। फिर से हम थोड़ा सा कंपनी को ओपन कर लेते हैं और कंपनी के अंदर अगर कुछ बदलाव करना है तो कीबोर्ड से हम क्या काम करेंगे, अल्ट F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, अल्टर पर जाएंगे,
इंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसके अंदर जो भी चाहे वह बदलाव कर सकते हैं। चलिए इसकी जगह मैं कर देता हूँ राम ट्रेडर्स। उसके बाद अगर एड्रेस चेंज करना तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं इंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा देता हूँ कंपनी हमारी। अब अगर हमें कोई और कंपनी क्रिएट करनी है तो हम कोई और कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ एकदम बाहर आ जाते हैं। अब देखिए फिर से कंपनी क्रिएट करनी है, फिर से हम Alt+F3 प्रेस करेंगे और कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात यहाँ भी कुछ और करते हैं हम। इसके अंदर कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 प्रेस करना होगा। अल्ट F3 प्रेस करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फो स्क्रीन खुल गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। अल्टर करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर से इंटर प्रेस कर देंगे। इसका क्या करना होगा, कीबोर्ड से आपको अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है यस या नो। अब यस प्रेस कर देंगे, फिर आपसे कन्फर्म एक बार पूछेगा क्या डिलीट करना चाहते हैं, फिर यस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि कंपनी से बाहर निकलना है तो हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे या वाई प्रेस कर देंगे, हमारी कंपनी